बगावती तेवर के लिए जाना जाता है, और ऐसे में जब चुनावी बिगुल बज गया हो तो फिर बगावत की अदावत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को कमान सौंप दी, और ऐसे में चुनाव के ऐलान से पहले ही ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद कमान संभाल ली। 2019 लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने नई चुनौती होगी, क्योंकि कई सीटों पर पार्टी ने चेहरे बदल दिए। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस बार बीजेपी को कैसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने वर्तमान सांसद विवेक शेजवलकर का टिकट काटकर भरत सिंह कुशवाहा को मौका दिया है। विवेक शेजवलकर का टिकट कटने से बड़ी संख्या में समर्थक नाराज है। भरत सिंह कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी बताए जा रहे हैं। टिकट न मिलने से पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया, विवेक शेजवलकर, नरोत्तम मिश्रा भी नाराज है। गुना सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार यहां से बीजेपी ने मौका दिया। टिकट कटने से केपी यादव के समर्थक नाराज हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों के नाराज होने से बीजेपी के लिए नई चुनौती है। मुरैना लोकसभा सीट, पार्टी ने शिवमंगल का टिकट काटा है। शिवमंगल का टिकट कटने से यहां भी बड़ी संख्या में समर्थक नाराज हैं। इस सीट पर पूर्व एमएलए रघुराज कंसाना, गिरिराज दंडौतिया और आरएसएस के राजीव दंडौतिया दावेदार थे। भिंड लोकसभा सीट, इस सीट पर पार्टी ने कैंडिडेट को रिपीट किया है। वर्तमान सांसद संध्या राय को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है। टिकट की आस लगाए कई नेताओं में नाराजगी है। लाल सिंह आर्य अंदरूनी तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे समय की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। गुटबाजी की आशंकाओं को खत्म करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सभी सीटों पर बनने वाले हर सियासी समीकरण की अपडेट खुद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ले रहे हैं। मैं इसी के साथ साथ आज विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। हमारे अपने भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा, भिंड की प्रत्याशी भाजपा की श्रीमती संध्या राय जी, शिव मंगल सिंह भदौरिया, हमारे मुरैना के प्रत्याशी के साथ बैठकर के बात की है। हमारी तैयारी है, भाजपा निश्चित रूप से अपनी सारी सीट जीतेगी। ग्वालियर लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर चंबल में सीएम ने सभी प्रत्याशियों की बैठक लेकर उनसे चुनाव के सिलसिले में चर्चा की। नहीं, सब प्रत्याशियों से स्वाभाविक है। हमारी सांसद संध्या राय जी, शिव मंगल सिंह जी, हमारे मुरैना से जो प्रत्याशी है, यही पूछा था कि कहाँ तक क्या काम हुआ है, कार्यालय वार्यालय जनरली चर्चा रहती है, वो चर्चा की। नहीं, कोई नाराजगी पे कोई विषय बात नहीं है, कोई नाराजगी होने का प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता है, नेताओं का ही आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग चुनाव मैदान में। टिकट वितरण के बाद बीजेपी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे ने तंज कसा और कहा कि कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी और बगावत की आशंका नहीं बल्कि सच्चाई है। ये अब टिकट हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं में नेताओं में नाराजगी है, और सीएम ग्वालियर आ रहे हैं तब भी सीएम जब मीटिंग ले रहे हैं उसमें गुना और से जो प्रत्याशी हैं सिंधिया जी वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा असंतुष्टता है। इस बार बीजेपी रूठों को कैसे मनाएगी, पार्टी की क्या नई रणनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।